दोस्तों आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन नेवी को दो गिफ्ट दिए। उनमें से पहला था उनकी आइडेंटिटी और दूसरा उनके लिए INS विक्रांत। दोस्तों INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में बना है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा देश आत्मनिर्भर तो हो रहा है। दोस्तों 1971 में भी हमारे पास एक बैटल शिप यानी वॉर शिप थी जिसका नाम था INS विक्रांत, लेकिन वो INS विक्रांत हमने असल में इंग्लैंड से ली थी। दोस्तों INS विक्रांत के बाद INS विक्रमादित्य ने भारत के लिए सर्व किया, लेकिन दोस्तों जो ये INS विक्रमादित्य था ये एक रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर था। और दोस्तों INS विक्रमादित्य के बाद हमारे पास आया आखिरकार INS विक्रांत वापस 2022 में, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1999 में जब इसका प्रस्ताव डाला गया कि हमें वॉर के लिए एक वॉर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, जिसकी मंजूरी 2002 में मिली और इसके बाद 2013 तक इसका मॉडल बना और पिछले ईयर इसकी टेस्टिंग हुई और आज ये नेवी को सौंप दिया गया। अब बात करते हैं INS विक्रांत के कुछ ऐसे फीचर जो कि इसे काफी ज्यादा अलग बनाते हैं, जैसे कि इसका रनवे जो कि लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, जिसके अंदर मेग और साथ ही साथ रोमियो हेलीकॉप्टर जैसे काफी अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं। और इसके अलावा इसका वेट लगभग 43,000 टन्स है जिसमें ये 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। एक बार फ्यूलिंग होने के बाद ये लगभग 45 डेज तक काम करता रहता है और उसके अलावा ये पानी के अंदर रिफ्यूलिंग कर सकता है। की कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा हल्का एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके अलावा ये लगभग 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अपने ऊपर कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से वॉर में बूम बम तो होना ही है। दोस्तों INS विक्रांत 262 मीटर लंबा है और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई 62 मीटर है, जिसके अलावा इसकी जो हाइट है वो है 59 मीटर। दोस्तों इसमें लगभग 14 डेक है और जिसको तुम दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी 10 मंजिल वाली बिल्डिंग है। वही दोस्तों INS विक्रांत की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसके अंदर 1600 से ज्यादा लोग रह सकते हैं और उसके अलावा 16 लोगों के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। अब दोस्तों 1600 लोग तो 1600 लोगों के लिए खाना भी बनाना होता होगा और ये खाना ये बना लेते हैं एक घंटे के अंदर। दोस्तों INS विक्रांत दुनिया का कोई सबसे बड़ा वॉरशिप तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और चाइना हमारे स्टार्टिंग टाइम से दुश्मन है और अगर इन दोनों ने मिलकर दो साइड से अटैक किया पानी के थ्रू तो हम फंस सकते थे, लेकिन अब क्योंकि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की जोड़ी नीचे तैनात रहेगी जिस वजह से अब हम सिक्योर हैं और यही चाइना और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों INS विक्रांत की तैनाती इंडो पैसिफिक और साथ ही साथ इंडियन ओशियन में हो सकती है। और दोस्तों INS विक्रांत को बनाने में लगे लगभग 20,000 करोड़ रुपए। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने दो चीज गिफ्ट की है, लेकिन अभी तो हमने केवल विक्रांत के बारे में बात की है। अब बात करते हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी के लिए उन्होंने नेवी का फ्लैग ही चेंज कर दिया। नेवी का जो पुराना फ्लैग था वो काइंड ऑफ वही फ्लैग था जो हमारे ब्रिटिशर्स की गुलामी के टाइम पे चलता था, बस उन्होंने उनके फ्लैग को चेंज करके अपना फ्लैग लगा दिया, लेकिन अब उस फ्लैग में से उसके बीच के क्रॉस को भी एलिमिनेट कर दिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे एक अशोक स्तंभ जिसके नीचे एक सेल लगी हुई है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे शिवाजी महाराज के इनोवेशन के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में नेवी के फादर शिवाजी महाराज को माना जाता है और जो ये नया फ्लैग है इसकी इंस्पिरेशन भी महाराज शिवाजी ही है। दोस्तों अगर तुमने लोगों को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे लिखा है सैम नो वरुणा, जिसका मतलब है बी स्पीशियस ऑन टू अस ओ वरुणा, जिसमें वरुणा का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द सी, जिससे है इंडियन नेवी को उसकी अपनी आइडेंटिटी। होप सो आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ क्या मैं अच्छा बना सकता हूँ उसको भी कमेंट में लिखना।